दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात भजनपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद लूटपाट की कोशिश करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 6 जिंदा कारतूस के साथ एक ऑटोमेटिक पिस्टल, गोलियों के साथ देसी पिस्तौल और इस्तेमाल किया गया एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में गुरुवार रात को मुठभेड़ के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपियों साबिर उम्र 30 वर्ष, रवि उम्र 32 वर्ष और जुबेर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। साबिर और रवि के पैरों में गोलियां लगी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भजनपुरा थाना प्रभारी अशोक शर्मा और उनकी टीम नाइट कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करने के लिए गश्त पर थी और तभी उसने 3 लोगों को स्कूटी पर एक हथियार के साथ देखा। पुलिस ने बताया कि वे 66 फुटा रोड पर कांवड़ मंदिर के निकट एक व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के वहां पहुंचने पर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन शर्मा ने उनका पीछा किया। अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। इस दौरान आरोपियों ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वे सड़क पर गिर गए। इसके बाद उन्होंने पैदल ही भागने की कोशिश की और पुलिस बल पर फिर से फायरिंग कर दी। पुलिस उपायुक्त उत्तर पूर्वी संजय कुमार सेन ने बताया कि हेड कांस्टेबल अनिल और कांस्टेबल जोगिंदर ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की और सबीर और रवि के पैर में गोलियां लगी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सेन ने बताया कि उनके पास से बरामद स्कूटी कहीं से चोरी की गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।